हेलो एवरी वन हेयर इज़ अ क्विक अपडेट वीडियो और अपडेट ये है कि आपको मेरे स्क्रीन पर ऑलरेडी दिख चुका होगा कि सी एम ए इंटर लॉ एनालिस ए बी सी एनालिसिस इज दर ऑन द स्क्रीन और टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दिख रहा है लाइक वाइज वी ऑल्सो हैव टू थाउजेंड सिक्सटीन सिलेबस दोनों को अलग अलग डिज़ाइन किया गया है रेलिवेंट फॉर दिसंबर ट्वेंटी थ्री एग्जामिनेशन ऑफकॉर्स तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में क्या बातें मुझे आपको बतानी है सबसे पहली बात इसमें आपको चैप्टर्स दिखेंगे तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है इट्स नॉट कि आपको कैटेगरी ए के चैप्टर्स एकदम अच्छे से पढ़ने हैं कैटेगरी सी आप छोड़ सकते हो ऐसा कुछ ये सजेस्ट आपको नहीं कर रहा है ऑफ कोर्स आई बिलीव कि अब आप रिवीजन वाले फ़ेज़ में हो एकदम लास्ट मिनट वाले रिवीजन वाले फेज़ में हो बिकॉज एग्जाम्स एकदम सर पे आपके खड़े हैं तो आपका कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपने नहीं किए हों तो आप प्रायोरिटी इनको दीजिए उससे कम प्रायोरिटी इनको दीजिए और लीस्ट प्रायोरिटी इनको दीजिए मतलब आपका प्रिफरेबल सीक्वेंस ऑफ रिविजन मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ कि ये हो तो बहुत अच्छी बात है कई बार ऐसा होता है वी आर अनएबल टू डिसाइड क्या करें क्या नहीं करें क्योंकि टाइम कम है तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा कि भाई ये जरूर कर लेना है ये होता गया आप इस पर टिक मार्क करते गए उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या क्या करना है इस तरीके से आप क्या कर सकते हो आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे सकता है सिलेक्टिव स्टडी हम कभी भी सजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैंने पेपर सेट नहीं किया है लाइकवाइज किसी ने भी पेपर सेट नहीं किया है हम एक एनालिसिस एक थॉटफुल एनालिसिस के बेसिस पे कुछ सजेशंस दे सकते हैं बिकॉज वी हैव बीन देयर इन द फॉर क्वाइट गुड सम टाइम राइट तो ये सजेशन है सिर्फ कि आप ये प्रायोरिटी या ये सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं एंड इट इज़ देअर फॉर बोथ द सिलेबस स्टूडेंट्स ठीक है students, तो दोनों के लिए अलग अलग एनालिस है भाई कोई भी चीज़ छोड़ने की कोशिश तो मत करना कि ये छूट जाए पूरा मटेरियल है आपका एम हैं आपके पास्ट ईयर का पेपर है आपको सारी चीज़ें करके जानी है ठीक है विश यू ऑल द वेरी बेस्ट